वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आज पढ़ने जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो सेकंड यूनिट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक्स में हमने शुरू से यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो भी कोई स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी है, जो भी कोई स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, जो हम कोई स्टडी करना चाहते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला था कलेक्शन ऑफ डाटा, हमने डाटा पहला इंट्रोडक्शन किया था, इंट्रोडक्शन में आ गया था स्टेटस के इंपॉर्टेंट यूज फंक्शन वगैरह इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था इसका सेकेंड यूनिट कलेक्शन ऑफ डाटा, तो सेकेंड यूनिट में ही आता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में भी हमने पढ़ा था किस बेस पे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, हमने पढ़ा था डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा। तो डाटा ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेस्ट वे जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी, फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी। नंबर वन पढ़ा था जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम डाटा को किसी जगह प्लेस के हिसाब से अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। फिर पढ़ा था हमने क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम डेटा को किसी टाइम के हिसाब से यानी मंथली ईयरली उस हिसाब से अगर डेटा को टाइम के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके पढ़ा था हमने क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जैसे जो क्वालिटीज हैं ब्यूटी ऑनेस्टी इंटेलिजेंस वगैरह, अगर उसकी बात करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में हमने भी कहा पढ़ा था कि एक सिंपल क्लासिफिकेशन है और एक मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन है। सिंपल क्लासिफिकेशन में हम अगर किसी चीज का, मैंने कहा था वर्ड डाइकॉटमी, डाइकॉटमी का मतलब होता है अगर एक चीज की हम दो चीजें उसकी अच्छी और बुरी देखते हैं, यानी एक है गुड दूसरा बैड, एक एजुकेटेड एक अनएजुकेटेड, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, अगर उसको सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहेंगे, अगर उसको सिर्फ हम दो डाइकॉटमी में ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड में आ जाता है अगर हम किसी गांव की कोई पॉपुलेशन काउंट करते हैं, हम उसमें देखते हैं एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, उसके आगे देखेंगे मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं, उसके आगे देखेंगे कि किसके कितने बच्चे कितने हैं, मतलब बहुत सारे इसकी क्वालिटीज पे उस पर एट्रीब्यूट्स पे हम इसकी डिस्कशन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ा था लास्ट के क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, अगर हम डाटा की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा करते हैं, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और स्टैटिक्स में तो है स्टैटिक्स रेफर्स टू नंबर्स और मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, वो स्टैटिक्स का यही काम। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम जब कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज इसलिए करते हैं कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा क्लोज ले जाता है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके नजदीक ले जाता है, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में कि डाटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसमें आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई वैल्यू जो है किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी बार अकर करती है, कितनी बार वो फॉल करती है। आगे इसको क्लियर भी पढ़ेंगे लेकिन एक वर्ड मीनिंग में बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो आपने सुना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, तकसीम करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस मेथड को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला स्टेप इसमें आ गया कि जो हमारे पास डेटा है, कलेक्टिव डेटा, प्राइमरी डेटा हो या सेकेंडरी डेटा, उसको हम एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल। और इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट तीन मेथड हैं जिस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
दूसरा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम तीन तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल का मतलब हो गया हर एक फ्रीक्वेंसी को हम अलग अलग से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल में शो करेंगे तो हम बोलेंगे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसी तरह से नेक्स्ट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिस्क्रीट वेरिएबल हमने पढ़ा था कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है मगर इंटीग्रल पार्ट्स में, कंटिन्यू नहीं उसकी वैल्यू बढ़ती है। हम मानते चलते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 9th, 10th, 11th, हम मानते हैं कि 9th में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20, 10th में है 30, 11th में आ गया 40 और 12th में आ गया 50। मानो कि इस ढंग से हमारे पास क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में बच्चों की स्टैंड दी हुई है। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ कंप्लीट नंबर्स में 30, 30, 20, 30, 40, 50, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 20.1 नहीं बोल सकते कि 20.1 बच्चे हमारे क्लास में, या 30.1 बच्चे हमारे क्लास में, या 40.5 बच्चे हमारे क्लास में। इसको हम डेसिमल में यानी फ्रैक्शन में इसको रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको कंप्लीट नंबर्स में या होल नंबर्स में इसको कंप्लीट करते हैं। बीच में जो है इस गैप में कोई चीज हम फिल नहीं करते हैं, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम एक एग्जांपल से अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि एक ऐसे वैल्यू जो चेंज होती है मगर कंटिन्यूअस, बीच में डिस्क्रीट की तरफ बीच वाले गैप को खाली नहीं छोड़ते, उसको भी कवर करते हैं। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि मान लो हमारे पास कुछ टेस्ट देते हैं बच्चों का, स्टेटिस का टेस्ट दे लिया 11th क्लास के बच्चों का, कुछ बच्चों ने जो मार्क्स लिए 0 to 10 कितने लिए, 10 to 20 कितने लिए, 20 to 30 कितने लिए, 30 to 40 कितने लिए। अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि 0 to 10 का मतलब हो गया कि हर एक इसके बीच में जो नंबर है उसको कवर कर रहा है, चाहे इसके बाद 1 आए 2 आए 3 4 5 6 7 या 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 कोई भी नंबर है जो उसको कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूस यानी फ्रैक्शंस को भी इंक्लूड करता है, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों को हमें एक एग्जांपल से समझेंगे।
मान लो ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं रॉ डेटा दिया हुआ है, इसको हमने रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। रॉ डाटा हमने पढ़ा कि एक ऐसा डाटा जिसको हमने क्लासीफाई नहीं किया था, जिसके ग्रुप्स नहीं बनाए होते हैं, डिफरेंट यानी क्लासिफिकेशन नहीं की होती है, उसको बोलेंगे रॉ डाटा, रफ डाटा जिसको बोलते हैं। अब इसका सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज के लिए सबसे पहले हमने करना है या इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करना है कि सबसे पहले एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लेके हम फ्रीक्वेंसी को लिखना शुरू कर देंगे, सबसे छोटी वैल्यू पहले, उससे बड़ी उसके बाद, उसी तरह से हम सब वैल्यूज को लिखते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 1, फिर 2, फिर उसके बाद आ गया 3, फिर आ गया उसके बाद 4, 5, 5 के बाद 6 नहीं 7 भी नहीं 8, 8 के बाद आ गया 9 के बाद आ गया 10, फिर 11,
तरह से जब हम ये जो रॉ डाटा है जिसको एक सिस्टम है टेबली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब एक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या इंडिविजुअल सीरीज में हमने अपने रॉ डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे हम देख सकते हैं कि हमारी जो अरेंजमेंट है एक सिस्टम इसमें आ जाता है, एक तरीका आ जाता है, इसमें हमें समझ आ जाएगी कि एक नंबर लेने वाले कितने लोग हैं, दो तीन चार पाँच ऐसे आठ नौ दस ग्यारह बारह, ये सारे डिफरेंट मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक फ्रीक्वेंसी को अकेला रिप्रेजेंट करना इंडिविजुअल, और उसके बाद डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे कि हम देखेंगे मार्क्स ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट, यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे पहली बार लिखेंगे पहले, फिर लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हम सबसे पहले लिखेंगे, हमने लिखा वन टू थ्री, डेटा में थोड़ी सी हम तब्दीली कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास है 5, फिर आ गया 7, उसके बाद आ गया, हम देख रहे हैं कि 1 जो है एक ही बार हमारे पास अक्कर कर रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है हमारे पास, 5 मान लो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स, तो 2 टैली मार्क इसके लिए डाल करेंगे। इसी तरह से 6 है नहीं हमारे पास, 7 वन टाइम, उसके बाद 8 वन टाइम, 9 है नहीं 10 आ गया हमारे पास, ये भी वन टाइम, 11 टू टाइम्स, उसके बाद 12 हमारे पास नहीं है, 13 भी नहीं है, 12 है, 12 ये भी आएगा वन टाइम, उसके बाद 15 टू टाइम्स, वन टाइम, 17 नहीं है, 18 टू टाइम्स, और 20 तीन टाइम। इसको अगर हम टैली मार्क को ऐड करके देखेंगे, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 1 2 1 1 1 2 1, फिर 2, यहाँ से आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 1 2 3, 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
हम इस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी बार अकर करती है सीरीज में, तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। यानी 2B1 टाइम अकर कर रहा है हमारे पास, 5A2 टाइम अकर कर रहा है, 20 जो हमारे पास 3 बार रिपीट कर रहा है, 18 जो हमारे पास 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे 18 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 है, 20 की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है। तो इसके बाद जो है कंटिन्यूस, नंबर थर्ड आ गया कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पे एक थोड़ा सिंपल सा टेबल ले लेंगे, पहले हमने कॉम्प्लिकेटेड ले लिया था, थोड़ा मुश्किल हो गया। हम यहां पर लेते हैं 5, 6, 3, 4, 2, 1, 10, 11, 15, 20, 15, 10, 5, 8, 9, 10, 18, 19, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मान लो हमारे पास एक डेटा है 20 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिख दिए हैं दोबारा से, इसको हमने कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम जिसमें हमने देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, हमने हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास आगे 26, फिर हमने निकाले लोएस्ट वैल्यू क्या है ये आगे हमारे पास 5, 1, sorry, lowest value आगे हमारे पास 1। अब हम highest value और lowest value का जो difference निकाले हैं उसको बोलते हैं range। हमने सबसे पहले range निकाले हैं 26 minus 1, this is equal to 25। अब 25 को हम इस तरह से distribute करेंगे कि इसकी हम कितने continuous classes बनाएं कि सारा data जो हमारा उसमें अच्छी तरह से हमको प्रेजेंट कर सके। इसको ये आ गया हमारे पास रेंज। तो सबसे पहले हम मान लो क्लास में लेते हैं, पहले लेते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और 25 to 30। क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो है 30 से कम है, बस हमारी कल क्लासेस यहां पे थे। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। यहां से आ जाएगा हमारे पास टैली मार्क, यहां से आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब हम देखते जाएंगे कि कौन से वैल्यू जो है, कौन सी ऑब्जर्वेशन या आइटम जो है कौन सी क्लास में कौन से ग्रुप में फॉल कर रही है। तो हम ये लेते हैं 5, उसके लिए हम लिखते हैं टैली मार्क। इस पर मैं बाद में बताऊंगा। 5 देखो यहाँ पर दो जगह पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एक में अपर लिमिट ऑफ द क्लास है, एक में लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है, 10 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इनमें हमने क्या करना है कि जो अपर लिमिट जो है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, उसकी लोअर लिमिट में इंक्लूड करना है। तो 5 को हम यहां नहीं तो लोअर लिमिट में इंक्लूड करेंगे। 5 में एक टैली मार्क आ गया यहां पे 5, 6 भी यहीं पे फॉल करेगा, 3 यहां पे फॉल करेगा, 4 यहां पे फॉल करेगा, 2 यहां पे फॉल करेगा, 1 भी यहां फॉल करेगा, 10 यहां फॉल करेगा, 11, 15, 20, 15, 10, 5, 8, 9,
चार पहली बार हम जब ड्रा करते हैं उसके बाद पांच में जो उसको क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद आ गया 10, उसके बाद आ गया 18, उसके बाद आ गया 19 भी यहाँ फॉल करेगा, 25 यहाँ फॉल करेगा, 26 ये हमारे पास आ गया टैली डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हम ये फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं काउंटिंग करके, फ्रीक्वेंसी 0 to 5 आ गया 4, 5 to 10 आ गया 5, 10 to 15 आ गया 4, 15 to 20 आ गया 4, 20 to 25 आ गया 1, 25 to 30 आ गया 2। तो टोटल ये इतना आ जाएगा जितने हमारे पास बच्चे हैं, 4, 5 हो गया 9, 4, 13, 4, 17, 18 और 20 ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस सिस्टम से भी डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप जैसे जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा जो डाटा है इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और अच्छी तरह से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, और फर्दर इसमें इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। इसके और छोटी जो बहुत सारी इसमें टर्म्स वगैरह हमने इस्तेमाल किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसमें हम लोग पहले क्लियर कर देंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे।